उत्तर प्रदेश के आगरा में ऐतिहासिक गुरुद्वारा गुरु का ताल पर आज 35वें गुरमत समागम में 3 दिवसीय आयोजन के पहले दिन काव्य पाठ में 9वें गुरु तेज बहादुर साहिब जी एवं 6ठे गुरु हरगोविंद साहिब जी के जीवन वृतांत पर प्रकाश डाला। इससे पूर्व आज के दीवान की आरंभता दरबार साहिब हाल में सौदर शब्द चौकी रहिरास साहिब के पाठ से हुई। कवि दरबार की शुरुआत दिल्ली से पधारे गुरुचरण सिंह चरण ने। आगरा ऐतिहासिक शहर है, जेड़ा मऊ गुरुओं ने चरण पाए ऐथे पहली पाती साही गुरु नानक देव जी सीते छठवे पाती साही हरगोविंद आए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा दुखनिवारण साहिब गुरु का ताल विखे आज 35वें गुरमत समागम की आरंभता हुई। संत बाबा साधु सिंह मोनी जी बाबा निरंजन सिंह जी की याद में ये सालाना गुरमत समागम मनाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले कवि दरबार सजाए गए, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपने पास 52 कवि महाराज अपने पास रखते थे और कवि दरबार सजाते थे। आज भी वो परंपरा जो कायम है पौंटा साहब हिमाचल प्रदेश में पूर्णमासी की रात को कवि दरबार सजाए जाते हैं, इसलिए सालाना गुरमत समागम में सबसे पहले कवि सज्जनों को टाइम दिया जाता है, कवि दरबार सजाए जाते हैं। और आज कवि दरबार सजाए कवि सज्जनों ने अपनी कविता सुना के संगत को निहाल किया। अलका जो प्रोग्राम है 2 अक्टूबर का, वो सुबह 10 बजे कीर्तन आरम्भ होंगे। समूह साध संगत ज्यादा से ज्यादा पहुंच कर गुरु महाराज की खुशियां प्राप्त करें। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।